हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं हमारे फ्लिपकार्ट से आया हुआ प्रोवो गेज प्रोवो जीव जो भी बोलो, उसका एक शूज़ है। ठीक है, देखो इसका शूज़ है, ये आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 500। तो ये मुझे कॉस्ट किया है 498 का, है ना, ऑफर पे खरीदा मैंने इसे। तो ये शू कैसा है इसको आज हम लोग रिवील करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है ना, पूरा बॉक्स दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके के बॉक्स में आता है, ठीक है। इधर नीचे लिखा हुआ है एपिक फैशन, ओके। सो इस तरीके का है, यहाँ ब्रांडिंग है प्रोवो ग्यू जो भी बोलो, सब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा मेरे को, प्रोवो ग्यू है आई थिंक सो, ओके। तो ये अंदर से ऐसा है, शीट निकाला जाए तो भाई ये है वो शूज़ जो आया लिए। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इसमें फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं है इसका, है ना। बाय द वे, ऑल द वे ऐसा देखोगे तो ये ठीक है शूज़ आप पहनने के लिए, ओके। आपके कॉलेज वॉलेज के लिए ठीक है ये शूज़, है ना, उतना बेकार भी नहीं है। बट जो प्राइस रेंज है 498 में खरीदा है, मतलब अराउंड 500 समझ लो। तो ये आप बढ़िया शूज़ है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें फिनिशिंग अच्छे से नहीं है, ऊपर से पूरा ये ग्लू है ना। और दोनों शूज़ को दिखा दूँ आपको, ये इसका दोनों शूज़ है, ठीक है। 9 नंबर मंगाया था मैंने, तो इसको ट्राई करते हैं एक बार पहन के, ठीक है। और इसमें कुशनिंग की बात की जाए तो कुशनिंग इसमें है नहीं कुछ प्रॉपर, मतलब बिल्कुल हार्ड है, ऐसा कुशनिंग इसमें नहीं है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा है कुशनिंग, इसमें थोड़ा इस सामने के क्या बोला जाए एंकल नहीं, ऊपर इसमें थोड़ा सा कुशनिंग है, बाकी कुछ ज़्यादा कुशनिंग है नहीं। और फिर इसका सोल भी नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी इसको पहन के ट्राई करते हैं ना, बट उतना अच्छा शूज़ नहीं लग रहा अभी, देखने में अच्छा है बट कंफर्टेबल उतना नहीं है मेरे ख्याल से। तो चलो इसको ट्राई करते हैं पहन के कैसा रहता है पैर पे, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं इसकी फिनिशिंग की बात ये कर रहा था, देखो ये, देखो ये प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, सामने से देखो किस तरीके का है ये, इसकी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, बाकी तो नॉर्मल है। बट ग्लू का थोड़ा बहुत निशान है, देखो यहाँ पर भी है थोड़ा निशान ग्लू का, फोकस हो जा, यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्लू का निशान है। और बाकी तो अच्छा है, बस थोड़ा फिनिशिंग में हो जाता तो सही था। तो इसको एक बार ट्राई करते पहन के। सो गाइस, अभी मैंने शूज़ को पहन लिया है और इस पर अभी वॉक करके देखते हैं कैसा होता है। वॉकिंग तो भाई उतना कंफर्टेबल नहीं है भी, क्योंकि शूज़ प्रॉपर पैर के हिसाब से बना नहीं है, ठीक है। शूज़ देख लो साइड एंगल एक बार, तो भाई देखो साइड से कुछ व्यू ऐसा आ रहा है, लुक मतलब बहुत लुक वाइज तो अच्छा है, बट भाई कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये शूज़ देखो भाई, अगर प्रॉपर ऐसे देखोगे तो एक साइज़ का शूज़ का थोड़ा अलाइनमेंट, मतलब अलाइनमेंट बोले तो शेप सही नहीं है अंदर मेरे को। लेफ्ट साइड का अपना पैर तो प्रॉपर कंफर्टेबल फील हो रहा है, बट इस साइड मेरे जो इधर मतलब जो इधर की फिंगर है ना, वो बहुत मतलब शूज़ पे लग रहा है और कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा भाई। और लॉन्ग टाइम तक मैं इसको पहन भी नहीं पाऊँगा। तो ये शूज़ तो भाई मेरे लिए, मैं तो बोलूँगा मेरे हिसाब से शूज़ अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी, इस प्राइस रेंज में भी देख लो तो ये शूज़ उतने बेटर नहीं हैं, है ना। तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये शूज़ आप नहीं ना ही ख़रीदो। बट लुक वाइज बहुत अच्छा है, बट कम्फर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख लो अगर आपको जैसा भी लगता है, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि शूज़ ख़रीदो मत ही खरीदो, ठीक है। शूज़ में देखो सामने से इसका कलर भी छूटना चालू हो गया है, ये देखो सामने से इसमें कुछ ग्लू चिपका हुआ था, इसको मैंने हटाया तो उसके बाद ऐसा कलर ही निकल गया इसमें। शूज़ का सोल भी उतना अच्छा नहीं है भाई, तो शूज़ तो बेकार है भाई ओवरऑल, मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं। तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।